तो दोस्तों एक अपडेट सामने आ रही है कि इस बार वीकेंड के वार पर सलमान खान नहीं आने वाले हैं, और जो कि बात बिल्कुल सही है, सलमान खान कुछ शूटिंग शेड्यूल की वजह से बिजी हैं, इसी वजह से वो इस बार का वीकेंड का वार जो है नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो भाई वीकेंड के वार पर आने वाला है या आएंगे, बट अगर वो आएंगे तो क्लियर कट है कि मुन्ना को इस बार कोई बचा नहीं सकता है। और जो भी चीज़ें, जो भी बातें आयशा ने पोल खोल की हैं या जो भी बातें आयशा ने खुलकर बोली है ना, उसके बाद तो मुनव्वर की भाई सच में खैर नहीं है। बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ जो इस वीकेंड के बार पर आने वाले, अगर मैं आपको नाम भी बता दूँ, वो नाम है करण जौहर का, और उन्हीं के साथ साथ एक नाम और ऐड होने वाला है जो कि शायद वीकेंड के बार पर आ सकती हैं या आ सकते हैं। कौन है ये, इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज। आपको बता दें कि भाई इस समय बिग बॉस बहुत ज़्यादा पर्सनल तो हो ही गया है, लेकिन इस समय एक अलग लेवल पर भी पहुंच गया है। 28 जनवरी को इसका फिनाले है, लेकिन उसके पहले जब इतने सारी चीज़ें ओपन अप हो रही हैं मुनव्वर के बारे में, देखिए दोस्तों एक चीज़ तो है कि बाहर आने के बाद मुनव्वर को अपने सफाई में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग दलीलें पेश करनी पड़ेंगी, वरना तो एक नाम उनके ऊपर इस समय लग गया, वुमनाइजर का एक टैग लग गया है जो कि शायद उनके साथ ज़िंदगी भर तक रहेगा। वो भले ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चौड़ में लेते हों, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, और इस चीज़ को चौड़ में लेना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस समय अगर आप देखेंगे तो वीकेंड के बार पर करण जौहर आने वाले हैं, और आपको अगर आपको याद हो पिछले वीकेंड के बार पर आए थे और पूरी तरीके से मुनव्वर की जो है बैंड बजा दी थी। अब इस बार भी उम्मीदें कुछ ऐसी लगाई जा रही है करण जौहर से, लेकिन उसी के साथ साथ जनता सोशल मीडिया पर डिमांड क्या रख रही है, वो ये है कि भाई इस वीकेंड के बार पर नज़ीला को बुलाइए, और चीज़ें जो भी इन दोनों के बीच में है या जो भी इन सभी लोगों के बीच में है ना, उसको खास करके क्लियर करवाइए। तो ऐसा डिमांड रखा जा रहा है कि इस वीकेंड के बार पर नज़ीला है, और होप्स हो ऐसा कह भी रहे हैं बहुत लोग कि नज़ीला इस वीकेंड के बार पर आने वाली हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।